दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बोइंग द्वारा बनाए जाने वाले F-18 फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे और इसके ब्लॉक 3 वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों इसी नए ब्लॉक 3 वेरिएंट को अमेरिका ने भारत को ऑफर किया है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके साथ ही एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जानेंगे जो कि ये तय कर सकती है कि भारत कौन सा नया फाइटर जेट खरीदेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बोइंग ने भारत को अपने F-18 फाइटर जेट के लेटेस्ट ब्लॉक 3 वेरिएंट को ऑफर किया है। ये बोइंग द्वारा बनाए जाने वाले F-18 फाइटर जेट का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट है। इस नए वेरिएंट में इस फाइटर जेट के स्ट्रक्चर को लेकर कुछ नए चेंजेस किए गए हैं और इसके साथ ही इसके एवियोनिक्स को भी अपग्रेड किया गया है। इस फाइटर जेट के एयर फ्रेम की लाइफ को भी बढ़ाया गया है। ये इस फाइटर जेट के एयर फ्रेम की लाइफ को बढ़ाकर 9000 घंटों से ज्यादा कर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाया गया है जो कि लंबी दूरी की रेंज वाला है और इसके साथ ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट में सैटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी की गई है जिसके इस्तेमाल से इस फाइटर जेट में एडवांस्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी की क्षमता आ जाती है। इसके साथ ही इसके मिशन कंप्यूटर्स को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें ओपन आर्किटेक्चर वाले और मल्टी लेवल सिक्योर प्रोसेसर वाले सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके इस्तेमाल से ये भारत द्वारा बनाए जाने वाले सभी वेपन सिस्टम्स को इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके डाटा लिंक सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया गया है और नए एडवांस्ड डाटा लिंक सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें लो लेटेंसी डाटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये दूसरे फाइटर जेट्स और दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड रह सकता है। इसके बारे में बोइंग का दावा है कि ये नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले PA टाइप पोसाइडन एयरक्राफ्ट के साथ डाटा लिंक कर सकता है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स बन सकता है जो कि हमारी नेवी के बहुत काम आ सकती है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके इस्तेमाल से इसका रडार क्रॉस सेक्शन तो कम होगा ही, इसके साथ ही इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़ जाएगी। कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स ऐसे एडिशनल फ्यूल टैंक्स होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली फिट किए जाते हैं जिससे एयरक्राफ्ट का एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट को एरोडायनामिक पेनल्टी भी बहुत कम पड़ती है और इसके साथ ही एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के मुकाबले में ये एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को भी काफ़ी कम कर देते हैं। जो एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है लेकिन कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स को हवा में ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो ड्रॉप टैंक्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं जिससे एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट के ऊपर आप कम पेलोड कैरी कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके एयरक्राफ्ट में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स हैं तो उसके इस्तेमाल से आपका एयरक्राफ्ट ज़्यादा पेलोड कैरी कर पाएगा और इसके साथ ही ज़्यादा फ्यूल भी कैरी कर पाएगा। इन्हीं कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स का हमारे ओर्का फाइटर जेट यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं और इसके साथ ही इसमें रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इसके फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया गया है। इन नई इंप्रूवमेंट्स के साथ ये फाइटर जेट स्टेल्थी तो नहीं हो जाएगा लेकिन ये फाइटर जेट इतना कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला हो जाएगा कि इसका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही इसके कॉकपिट में बहुत ज़्यादा एडवांस डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है। इसके कॉकपिट में एक नई सिंगल वाइड एरिया मल्टी फंक्शन डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है जिससे पायलट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही तरीके से मिल जाती है। इसके रडार के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें APG-79 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे EES रडार लगाया गया है जो कि अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही बोइंग EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रडार के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 150 किलोमीटर दूर से ही किसी फाइटर जेट जितने बड़े टारगेट को ट्रैक कर सकता है और ये एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इन सभी चेंजेस को छोड़कर बाकी सभी सिस्टम्स पुराने F-18 फाइटर जेट वाले ही हैं। इस नए ब्लॉक 3 वेरिएंट में ये सभी चेंजेस किए गए हैं जिससे ये फाइटर जेट F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट का अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वेरिएंट बन जाता है। ऐसी जानकारी भी है कि हमारी नेवी को भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी पसंद है
और हमारी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए इस फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जिसके बाद अब ये स्काई जंप डेक से भी टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। और हमारा INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसी कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जिसके बाद अब इस एयरक्राफ्ट को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। जिसके बाद ऐसी जानकारी है कि ऐसा हो सकता है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को चुना जाए। अभी एक नई खबर भी आ रही है जिससे ऐसा लगता है कि इस फाइटर जेट को चुना जा सकता है। नई खबर में ये बताया गया है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के ऊपर ऐसा दबाव डाल रही है कि भारत कोई बोइंग कंपनी का एयरक्राफ्ट चुने और अपनी एयरफोर्स या नेवी के लिए खरीदे। बोइंग ने अपने F-15EX फाइटर जेट और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया है। F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के लिए ऑफर किया गया है। इंडियन नेवी 57 कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है, जिसके लिए बोइंग ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफर किया है। ऐसी जानकारी दी गई है कि बोइंग के पास अभी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के नए ऑर्डर नहीं हैं। बोइंग के पास अभी केवल F-15EX फाइटर जेट के ही ऑर्डर हैं, जिसको लेकर उनको डर है कि अगर अमेरिका में किसी नई पार्टी की सरकार आ जाती है तो वो शायद इस ऑर्डर को ख़त्म कर दें और नए F-35 एयरक्राफ्ट को खरीदने के ऊपर ही ध्यान दें। जिसके बाद अभी अमेरिका चाहता है कि भारत बोइंग कंपनी के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद ले, जिससे भारत और अमेरिका मिलकर अच्छी तरह काम कर सकें और चाइना को काउंटर कर सकें। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के फाइटर जेट बिजनेस में लॉकहीड मार्टिन का दबदबा है, जो कि अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की नेवी दोनों को बेच रही है। और वहीं अभी F-15 और F-18 फाइटर जेट जो बोइंग बनाता है वो पुराने हो चुके हैं और पुरानी जनरेशन वाले हैं, और अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी दोनों ही पुरानी जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं चाहते हैं, जिसके कारण बोइंग का बिजनेस काफ़ी कम हो रहा है। बोइंग के पास अभी केवल $9.2 बिलियन का ट्रेनिंग फाइटर जेट का प्रोग्राम ही बचेगा, जिसमें वो अमेरिका की एयरफोर्स को 350 बोइंग TX फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों अभी देखना यही होगा कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुकता है या नहीं और किस फाइटर जेट को चुना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमें यह भी बताएं कि आप किस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।